हेलो एवरीवन, आई एम गौरव शर्मा। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स की, वेरियस प्रॉपर्टीज जिसकी हेल्प से हम मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑब्टेन कर सकते हैं किसी भी रो में और कॉलम्स में। इसके लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था कि हमने देखा था कि इवेल्युएट ऑफ डिटरमिनेंट कैसे करते हैं और एक्सपैंड डिटरमिनेंट को कैसे करते हैं। सो उसमें हमारा पहला रूल था कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस देखते हैं किस रो में और किस कॉलम में है, उसके अकॉर्डिंग हम एक्सपैंड करते थे। सो इससे आगे बढ़ते हुए कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं। सो प्रॉपर्टी फर्स्ट, हमें क्या पता है, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज्ड इफ इट हम कह सकते हैं ऑल रोस एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। अगर हम किसी डिटरमिनेंट की सारी रोस को कॉलम्स में इंटरचेंज कर दें तो हमारी जो वैल्यू है, आप कह सकते हैं न्यूमेरिक वैल्यू और आंसर, वो सेम ही रहेगा, रिमेन्स अनचेंज्ड। इसकी एग्जांपल लिखते हैं, लेट अगर ये मेरे पास डिटरमिनेंट है इन द फॉर्म ऑफ a1, a2, a3, रो 1, अब b1, b2, b3, इट्स माय रो 2 एंड c1, c2 एंड C3। अब अगर इस डिटर्मिनेंट की को मैं इंटरचेंज कर दूं सारी की सारी रोज इसकी कॉलम के साथ, तो जो मेरी नई डिटर्मिनेंट बनेगी वो डेल्टा 1। सो कहने का मतलब A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2 एंड C3। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी फर्स्ट मैं क्या कहूंगा, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी अनचेंज्ड, और इन अदर वर्ड्स द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स द सेम। अब इस प्रॉपर्टी को हम प्रूफ करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। अब हम प्रॉपर्टी 1 को वेरीफाई करेंगे विद द एग्जांपल। तो हमारे पास एक डिटरमिनेंट गिवन है, इस डिटरमिनेंट में हम क्या करेंगे, ऑल द रोस और ऑल द कॉलम्स को हम इंटरचेंज कर देंगे, फिर देखेंगे कि हमारी डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं आ रही। सो स्टार्ट करते हैं, हमें डिटरमिनेंट गिवन ये दिया हुआ है तो इसे मैं एक्सपेंड करता हूँ विद द हेल्प ऑफ रो 1। सो मुझे मालूम है साइंस क्या आएंगे, प्लस माइनस प्लस। सो स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व करना। सो पहला एलिमेंट आ गया रो 2, तो जिस रो में 2 है वो रो कैंसिल कर दो, जिस कॉलम में 2 है वो कॉलम कैंसिल कर दो, जो गिवन हमारे पास बचा है उसको हम डिटरमिनेंट में लिख लेंगे इन द फॉर्म ऑफ 2 × 2, 0, 4, 5, −7। सो आगे साइन माइनस माइनस इंटू −3। सो ये रो कैंसिल होगी, ये कॉलम कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बचा, 6, 4, 1, −7, 6, 4, 1, −7 एंड प्लस 5, ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचा, 6, 0, 1, 5। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 −7 × 0, 0, सो 5 × 4 −20, 0 −20, माइनस माइनस प्लस प्लस 3, −7 × 6, −42, −1 × 4, 4, माइनस साइन साथ में है तो −4, प्लस 6, 5 = 30, −1 × 0, 0। सो इसको अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 × −20 −40, प्लस अब ये कितना आ गया मेरे पास, −42 −4, ये कितना बन गया, −46। अब −46 मल्टीप्लाई विथ 3, 6 is 18, 1 carry out, so 3 4 is 12 और 1 13,
वन माइनस 38, सो माइनस 138, और सिंपली प्लस की जगह मैं सीधे लिख लेता हूँ माइनस 138 प्लस 5 × 30, 150. अब माइनस 40 माइनस 138 माइनस 40 तो ऐड हो जाएंगे 871 माइनस 178 इसमें हम प्लस कर देंगे 150 तो मेरे पास कितना आ जाएगा माइनस 28. सो द वैल्यू ऑफ गिवन डिटर्मिनेंट इज माइनस 28. अब हम इसको क्या करेंगे, मेरी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली रोस को कॉलम्स में इंटरचेंज कर देंगे. तो आप रिजल्ट याद रखिए, मेरा कितना आया था माइनस 28. सो अब मैं क्या करूंगा, मैं इंटरचेंज कर दूंगा रोस को कॉलम्स के साथ, और हम ऐसे भी कह सकते हैं कॉलम्स को रोज के साथ. तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट रो 2, 3 माइनस 3, 5, ये मेरी कॉलम 1 बन गई. इस तरह रो 2 मेरी क्या बन जाएगी, कॉलम 2, एंड रो 3 माई कॉलम 3. इस डिटर्मिनेंट को मैंने क्या नाम दे दिया, डेल्टा 1. सो इसका आंसर कितना आ रहा था मेरे पास, माइनस 28. सो अब इसे एक्सपेंड करते हैं. अब डेल्टा 1 को मैं C1 मतलब कॉलम 1 से एक्सपेंड कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, डेल्टा 1 इज इक्वल टू 2, सो 0, 5, 4 माइनस 7, सो माइनस है. सो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस माइनस 3, तो मेरे पास क्या बचेगा 6, 1, 4 माइनस 7 एंड प्लस 5, 6, 1, 0, 5. अब इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2, 0 माइनस 20 माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 7 इंटू 6 माइनस 42 एंड माइनस 4 प्लस 5, 6, 5 = 30, 1 × 0 = 30 माइनस 0. तो ये पहला क्या, माइनस 40 प्लस ये मेरा कितना बना, माइनस 46 इंटू 3. सो ये मेरा कितना बन जाएगा, सेम माइनस 46 इंटू 3, 18, 1 कैरी आउट, 12 प्लस 1, 138. सो मेरे पास कितना आया, इसको सीधे लिखता हूँ, माइनस 138 प्लस 150. तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं, तो हमारे पास सेम आंसर आ जाएगा, माइनस 28. सो मेरा डेल्टा 1 भी कितना आ गया, माइनस 28. सो मेरा डेल्टा भी कितना था, 28. अब हम प्रॉपर्टी नंबर 2 देखते हैं. प्रॉपर्टी नंबर 2 हमें क्या स्टेटमेंट दे रही है, इफ एनी टू रोज ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस. इसका क्या मतलब है, लेट अगर मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है डेल्टा इज इक्वल टू A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2 and C3. अब क्या कह रहा है, एनी टू रोस और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट इंटरचेंज. सो मैं इसे इंटरचेंज करके डेल्टा 1 मैट्रिक्स बना लेता हूँ. इसमें क्या कहता हूँ, मैं रो 1 को रो 3 से इंटरचेंज कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, C1, C2, C3 पहले, फिर B1, B2, B3 एंड A1, A2 एंड A3. सो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट वो हमारे हमें क्या कह रहा है, अगर डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा ही रहेगा विद साइन चेंज, विद
साइन चेंज। अगर मैं डेल्टा का डिटरमिनेंट फाइंड करूं और डेल्टा वन का डिटरमिनेंट फाइंड करूं तो उनमें जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा, सो इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। इसको हम वेरीफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। जो हमने एग्जांपल सबसे प्रॉपर्टी फर्स्ट में सॉल्व की थी हम वही ले लेते हैं। सो उसमें हमने डेल्टा लिया था इज इक्वल टू 2 -3 5 6 0 4 एंड लास्ट रो में हमारे पास क्या था 1 5 -7। सो इसका डिटरमिनेंट हमने सॉल्व किया था वो हमारे पास आ रहा था -28 जो प्रॉपर्टी वन में हमने सॉल्व करके देखा था। अब हम इसकी रोस और कॉलम्स को इंटरचेंज कर लेते हैं, मतलब कि एनी टू रोस मैं R1 को R3 के साथ इंटरचेंज करके देखता हूं तो देखते हैं हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। सो डेल्टा वन जिसमें हम इंटरचेंजेस अप्लाई कर रहे हैं मेरे पास क्या आ जाएगा 1 5 -7 6 0 4 2 -3 5। अब हम डेल्टा वन को एक्सपेंड कर लेते हैं विद फर्स्ट रो। सो मेरे पास क्या आएगा बाय एक्सपेंड डेल्टा वन इज इक्वल टू 1 0 4 -3 5 -5 6 2 4 5 सो प्लस मेरे उसके -7 6 0 2 -3। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो डेल्टा वन इज इक्वल टू कम्स आउट टू बी 0 0 into 5 0 -12 -5 into 6 5 30। नेगेटिव साइन हम साथ लेके आते हैं जब भी हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाते हैं तो -8 -7 6 3 18 सो -3 -18 -0। सो ये मेरे पास कितना आ गया 1 into 12 12 22 into -5 10 11 -110 सो -+ सो +18 into 7 8 7 56 6 5 carry out 7 1 7 so 7 in 7 1 7 plus 5 कितना बन गया मेरे पास 3 1 26 सो प्लस 126। अब इन्हें हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को प्लस करके देख लेते हैं कितना आ गया मेरे पास 126 + 12 8 138 138 -110 तो मेरे पास कितना बचेगा +28। सो डेल्टा वन मेरे पास कितना आ गया 28। सो वी कैन क्लियरली से दैट फ्रॉम 1 and 2 हम सीधा ही कह सकते हैं कि जो हमारा डेल्टा है डेल्टा वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा प्रूव्ड और हम कह सकते हैं वेरीफाइड प्रॉपर्टी टू वेरीफाइड। अब हम प्रॉपर्टी नंबर 3 देखते हैं।
हमें प्रॉपर्टी नंबर थ्री क्या स्टेटमेंट दे रही है, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, मीन्स हम कह सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ दैट रोज और कॉलम्स आर सेम, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। हमारी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होगी, जीरो। तो एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसे। हम मैं कहने क्या चाह रहा हूँ, लेट डेल्टा, मैं एक डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ जिसमें मैं रो वन मेरी आएगी ए वन, ए टू, ए थ्री एंड रो टू बी वन, बी टू, बी थ्री। सो एनी टू रोज, सो मैं कह रहा हूँ कि रो थ्री आइडेंटिकल टू रो वन। सो जो मेरी रो थ्री है वो रो वन के साथ आइडेंटिकल है। सो अगर मैं अब इसको इंटरचेंज करूँ, रो वन को रो थ्री के साथ इंटरचेंज करूँ, तो भी मेरे पास जो नया डिटर्मिनेंट आएगा वो भी डेल्टा ही होगा। देख लेते हैं, अगर रो थ्री के एलिमेंट्स हम पहले लिख लें, ए वन, ए टू, ए थ्री, बी वन, बी टू, बी थ्री एंड रो वन के ए वन, ए टू एंड ए थ्री। सो आफ्टर इंटरचेंजिंग रो वन टू रो थ्री, है ना, मेरे पास डेल्टा ही आ रहा है। सो विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी टू मैं ये कह सकता हूँ कि जो डेल्टा है इज इक्वल टू वो माइनस, ठीक है। प्रॉपर्टी सेकंड हमें क्या कहती है, इफ वी चेंज टू रोज, इंटरचेंज टू रोज, देन द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज। सो ये तभी पॉसिबल है, अब ये कंडीशन आ गई है बाय प्रॉपर्टी सेकंड, ठीक है जी। सो ये तभी पॉसिबल है जब मेरा डिटर्मिनेंट किसके बराबर आएगा, जीरो के, क्योंकि जीरो ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। सो वी कैन से दैट अगर मेरे पास डिटर्मिनेंट में टू रोस आइडेंटिकल हैं या दो कॉलम आइडेंटिकल हैं, सो वी कैन से दैट द डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आएगा, जीरो। सो इसको फर्दर हम विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल सॉल्व करके देख लेते हैं। सो लेट स्टार्ट, एग्जाम्पल ले लेते हैं, थ्री टू थ्री एंड टू थ्री टू एंड सेम थ्री टू थ्री। इसमें मेरी रो वन एंड रो थ्री मेरी क्या है, आइडेंटिकल है। सो इसको हम सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं, एक्सपैंड विद रो वन, मैं इसको एक्सपैंड कर लेता हूँ विद द हेल्प ऑफ रो वन। तो थ्री ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, मेरे पास थ्री टू टू थ्री माइनस टू टू थ्री टू थ्री प्लस थ्री, सो कैंसिल टू थ्री थ्री टू। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, नेगेटिव साइन ऊपर जाएगा ये ऐसे, जब भी हम लेफ्ट से राइट टूवर्ड टूवर्ड ऊपर जाएंगे तो हम नेगेटिव साइन लेके जाते हैं। सो थ्री थ्री जा नाइन, माइनस फोर, माइनस टू सिक्स, माइनस सिक्स प्लस थ्री फोर माइनस नाइन। सो नाइन माइनस फोर फाइव, फाइव इंटू थ्री फिफ्टीन, सिक्स माइनस सिक्स जीरो, एनीथिंग मल्टीप्लाई विद जीरो बिकम जीरो, माइनस जीरो प्लस माइनस नाइन प्लस फोर, तो क्या गया माइनस फाइव, माइनस फाइव इंटू थ्री माइनस फिफ्टीन। सो आई सिंपली राइट माइनस फिफ्टीन।
सो दिस इज पॉजिटिव 15, दिस इज नेगेटिव 15. सो डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया, जीरो. दिस इज द वेरीफाई फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी 3. अब हम प्रॉपर्टी नंबर 4 देखते हैं. प्रॉपर्टी नंबर 4 हमें क्या कह रहा है, इफ अ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ कॉन्स्टेंट के, देन इट्स वैल्यूज गेट मल्टीप्लाइड बाय के. ध्यान से देखिए, वो एक रो की बात कर रहा है, आ रो और आ कॉलम. सो उसके कहने का क्या मतलब है, अगर लेट मैं एक डिटर्मिनेंट सपोज कर लेता हूँ, A1, A2, A3 फर्स्ट रो आ गई, B1, B2, P3 सेकंड रो आ गई, C1, C2 एंड C3 थर्ड रो आ गई. सो एंड एक डिटर्मिनेंट Δ1 जो ऑब्टेंड होएगा, मैं रो 1 को किसी कांस्टेंट K के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ. सो मेरे पास क्या आएगा, K A1, K A2, K A3, B2, B3, C1, C2, C3. जो मेरी डेल्टा 1 है वो ऑब्टेंड हुई है रो 1 को एक कांस्टेंट K के साथ मल्टी करने पर. तो अब अकॉर्डिंग टू अवर प्रॉपर्टी वो हमें क्या स्टेटमेंट में कह रहा है, इफ डिटर्मिनेंट, ठीक है, डेल्टा 1 जो ऑब्टेंड होगा डेल्टा को मल्टीप्लाई करने के साथ इज इक्वल टू के टाइम्स वैल्यू ऑफ आवर ओरिजिनल डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा. इसी पर दोबारा देख लेते हैं. मेरे पास डेल्टा 1 डिटर्मिनेंट ऑब्टेंड हुआ था डेल्टा को के से मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, सिर्फ रो 1 को. सो जो इसको सॉल्व करने के बाद हम कह सकते हैं कि हमारा डेल्टा आएगा, ठीक है, वो डेल्टा 1 के K टाइम्स इक्वल होगा. ठीक है, इसे हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल भी सॉल्व करके देख लेंगे. सो एक बात और यहाँ पे, इसीलिए जब भी हमने एक पहले किया था कि अगर मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन, इफ यहां पे मैं मैट्रिक्स की बात करूं, इन मैट्रिक्स जो हमारा कांस्टेंट होता है के, वो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होता है. बट अगर हम डिटरमिनेंट की बात करें, सो जो हमारा कांस्टेंट है के, वो सिर्फ एक सिंगल रो आ रो और आ कॉलम के साथ ही मल्टीप्लाई होगा. सो दैट्स वाई हमारे पास एक फार्मूला भी बनता था, डेल्टा ए इज इक्वल टू के की पावर एन इज इक्वल टू बी, वेयर एन इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कि जितना भी ऑर्डर होगा उतने टाइम से हमारा के मल्टीप्लाई होगा. सो इस बात को अपने ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स में जो हमारे कॉन्स्टेंट सभी के साथ मल्टीप्लाई होता है. इस तरह जो डिटर्मिनेंट में हम कॉमन लेंगे, ठीक है, कॉन्स्टेंट, वो एक रो से या एक कॉलम से आएगा. सो इसको फर्दर हम विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. प्लीज नोट इट डाउन, मैं रब कर देता हूँ. सो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं. एक सो लेट डेल्टा इज इक्वल टू 102 एंड 18 एंड 36. सो दिस इज आवर रो 1 एंड रो 2 134 एंड रो 3 17 36. दिस इज आवर रो 3. अब हमें देखना है कि
इसमें से कोई कांस्टेंट बाहर निकल सके, या किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से हमारे पास कुछ कॉमन आ सके, तो हम मैं यहाँ पे रो वन को देखता हूँ. सो आई कैन से डैट रो वन से मैं क्या निकाल सकता हूँ. सो आई कैन टेक 6 आउट, तो मेरे पास कितना बच गया, 17. सो यहाँ से भी 6 कॉमन आउट निकालेगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 3. यहाँ से मैं 6 कॉमन आउट निकाल लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, 36. सो रिमेनिंग डिटर्मिनेंट विल बी सेम. ठीक है बेटा, सो यहाँ स्टार्ट करते हैं. फर्दर 6 कॉमन आउट, सो मेरे पास क्या बचा, 17, 3, 36, 1, 3, 4, 17, 3, 6. ये 6 मैंने बाहर निकाला है बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 4, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 4 को हमने बाय प्रॉपर्टी 4 यूज करके 6 को बाहर निकाल लिया. अब हम डिटरमिनेंट देखते हैं. इसमें मेरी रो 1 एंड रो 3 आर आइडेंटिकल, सो हम क्या कह सकते हैं, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 3, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 3. सो इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, जब भी मेरे पास दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल तो 0. अब हम प्रॉपर्टी नंबर 5 देखते हैं. स्टेटमेंट क्या है, इफ सम और ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर टर्म्स देन द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू एंड मोर डिटरमिनेंट्स. सो फॉर एग्जाम्पल, इसके कहने का क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक डिटरमिनेंट है, उसमें कोई रो या कॉलम में मेरे पास दो टर्म्स हैं, सम ऑफ टू और मोर टर्म्स. सो जैसे ए वन, मैं रो वन की बात करता हूँ, प्लस लैम्डा वन, इट इज सम ऑफ टू टर्म्स. सिमिलरली ए टू प्लस लैम्डा टू एंड ए थ्री प्लस लैम्डा थ्री, सी वन सी टू एंड सी थ्री. सो ये मेरे पास एक डिटरमिनेंट है, इसमें मेरे रो वन में मेरे पास सम ऑफ टू टर्म्स हैं, तो अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉपर्टी वी कैन एक्सप्रेस्ड एज टू ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री प्लस कैन बी एक्सप्रेस्ड एट सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स. सो सम था प्लस सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स, लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री बी वन बी टू बी थ्री एज सेम सी वन सी टू एंड सी थ्री. सो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5 है, जो हमें कह रहा है कि अगर हमारी कोई भी रो अगर कॉलम सम ऑफ मोर देन वन टर्म है, सो वी कैन एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर डिटरमिनेंट्स में. इसकी एक प्रॉपर्टी को यूज करते हुए एक एग्जांपल देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल प्लीज नोट डाउन, मैं सर अप कर लेता हूँ. लेट हम एक डिटरमिनेंट ले लेते हैं जिसकी वैल्यू हमारे पास आएगी सी ओके ए बी सी एंड ए प्लस 2x बी प्लस 2y एंड सी प्लस 2z एंड सिमिलर वे से xyz. सो लेट ये हमें एक डिटरमिनेंट हमने ले ली. अब बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 5 आई कैन से दैट अब मेरी रो 2 में
सम ऑफ मोर टू टर्म्स है. सो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी सी. सो ए बी सी एक्स वाई जी प्लस ऊपर वाला तो सेम रह गया ए बी सी. अब मैंने ए बी सी यूज कर लिया था. सो अब सेकंड टर्म मेरे पास क्या है, टू एक्स, टू एक्स, टू वाई, टू जी एंड एक्स वाई जी. अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं. यहां पे अगर इस डिटरमिनेंट में मेरे पास रो वन एंड रो टू आर आइडेंटिकल, क्या हो गए बेटा, मेरे पास रो वन एंड रो टू क्या हो गए, आइडेंटिकल्स. सो वी नो डैट कि जब भी मेरे पास टू रोस या टू कॉलम्स आइडेंटिकल हो तो वो उसमें मेरे पास क्या होता है, जीरो. डिटरमिनेंट मेरे पास कहता है जीरो बाई यूजिंग प्रॉपर्टी थ्री. सो बाई यूजिंग प्रॉपर्टी थ्री मैं इसे क्या कह सकता हूँ, जीरो. प्रॉपर्टी थ्री को यूज करके ये मेरे पास आ गया जीरो. अब प्रॉपर्टी फोर क्या कहती है, अगर इसमें से मैं टू कॉमन ले लूं प्लस टू कॉमन फ्रॉम रो टू, तो मेरे पास क्या बच गया, ए बी सी एक्स वाई जी एंड एक्स वाई जी. अब प्रॉपर्टी फोर को यूज करके मैंने टू कॉमन ले लिया, तो अब मेरे पास रो टू एंड रो थ्री आर आल्सो आइडेंटिकल. सो जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो. द डिटरमिनेंट ऑफ गिवन डिटरमिनेंट मेरे पास क्या आ जाएगा, जीरो. अब हम अपनी लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर सिक्स. इसकी स्टेटमेंट क्या है, इफ टू ईच एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट द इक्वी मल्टीप्लाई ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स टू अदर रोस और कॉलम्स आर एडेड देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स द सेम. इसमें वो हमारे पास क्या कह रहा है कि मोस्टली हम ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं. मान लीजिए अगर मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ रो में आर आई सच डैट आर आई प्लस इक्वी मल्टीप्लाई का मतलब मल्टीप्लाई विद कॉन्स्टेंट के आर जे के साथ. सो और ये तो मैंने बात की रोस की, और कॉलम्स सी आई ऑपरेशन सी आई प्लस इक्वी मल्टीप्लाई मतलब कि एक कांस्टेंट जो सारी अनदर कॉलम मतलब कोई भी जे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करूं तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स द सेम. इसे एक एग्जांपल की तरह और समझते हैं. लेट मैं एक डिटरमिनेंट ले लेता हूं, ठीक है. इसमें मैं क्या करता हूँ, मेरे पास रो ए वन ए टू ए थ्री, ए वन ए टू ए थ्री, रो वन रो टू बी वन बी टू बी थ्री एंड रो थ्री सी वन सी टू एंड सी थ्री. अब इसमें मैं कोई भी ऑपरेशन को यूज़ करते हुए, ठीक है, बाय यूजिंग ऑपरेशंस लाइक मैं कह सकता हूँ कि मैं रो वन में ऑपरेशन लगा रहा हूँ सच डैट रो वन प्लस के मल्टीप्लाई रो थ्री. अब इस ऑपरेशन को यूज़ करके जो मेरे पास नई डिटर्मिनेंट फॉर्म होगी वो इस तरह होगी, ए वन प्लस के सी वन, ए टू प्लस के सी टू, ए थ्री प्लस के सी थ्री, बी वन बी टू बी थ्री, सी वन सी टू एंड सी थ्री. अब अकॉर्डिंग टू एक और स्टेटमेंट हम दोबारा देख लेते हैं. इफ टू ईच एलिमेंट्स, है ना, ईच एलिमेंट एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट, ठीक है. सो यहाँ पे मैंने रो थ्री सेलेक्ट कर ली थी, इसकी ईच एलिमेंट को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इक्वी मल्टीप्लाई मतलब के साथ, एलिमेंट्स टू द अदर रोज आर एडेड, फिर उसे अदर रो के साथ ऐड कर लिया मतलब रो वन के साथ ऐड कर लिया.
सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक रो सेलेक्ट की R3, उसे इक्वी कॉन्स्टेंट मतलब इक्वी मल्टीप्लाई कर दिया K के साथ, फिर उसे क्या कर दिया, एडिट कर दिया अनदर रो के साथ। सो मेरे पास एक नई डिटर्मिनेंट फॉर्म होगी जिसको मैंने क्या दिया Δ1, देन द वैल्यू ऑफ, ये सब करने के बाद भी द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स द सेम। उसका कहने का क्या मतलब है कि जो मेरा डेल्टा है इज इक्वल टू Δ1 ही रहेगा। सो कह रहे कि आफ्टर अप्लाइंग ऑपरेशंस मेरी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डजंट चेंज। इसको हम फर्दर एग्जांपल्स इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए एक सम सॉल्व करते हैं। हम एग्जांपल नंबर 11 देखते हैं। हमें क्या गया, प्रूफ डैट हमें एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, हमने प्रूफ करना है ए क्यूब के इक्वल। जब भी हमने स्टार्टिंग में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट स्टार्ट की थी तो हमने क्या था कि बाई यूजिंग दिस प्रॉपर्टीज वी ऑब्टेन मैक्सिमम जीरोस फॉर एनी रो और कॉलम्स टू सॉल्व द आवर डिटर्मिनेंट वैल्यू। सो उसी को आगे ले जाते हुए प्रॉपर्टी 6 जो हमारी ऑपरेशंस की प्रॉपर्टी है उसको यूज करते हुए मैं इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑब्टेन करने की कोशिश करूंगा। सो स्टार्ट करते हैं। अब इसमें एक पैटर्न ढूंढ लेते हैं। देखिए रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट ए, सेकंड 2a, रो 2 का फर्स्ट एलिमेंट भी 2a एंड रो 3 का फर्स्ट एलिमेंट भी 3a। अगर बाय यूजिंग रो 1 मैं इसको और इसको जीरो कन्वर्ट कर लूं, फिर बाद में कॉलम 1 के साथ इसको मैं एक्सपेंड करवा दूं तो मेरी काफ़ी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं। तो मैं ऑपरेशंस क्या क्या यूज़ करूंगा, मैं यूज़ करूँ आई वॉन्ट टू ऑपरेट रो 2 सच डैट रो 2 माइनस 2 इंटू रो 1। इसी तरह से मैं कह सकता हूँ एंड एक ऑपरेशन में और अप्लाई कर सकता हूँ रो 3 में सच डैट रो 3 माइनस 3 रो 1। इससे क्या ऑपरेशंस को हम अप्लाई कर लेते हैं, हमारे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, सो फर्स्ट रो तो मेरी एसिड आएगी, सो ऑपरेशन क्या है मेरा R2 माइनस 2R1। सो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस किया तो मेरे पास क्या आ गया 0। अब यहाँ पे क्या है 3A प्लस 2B। अब रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया और इसमें से माइनस कर दिया माइनस 2A माइनस 2B, प्लस माइनस कैंसिल, सो मेरे पास क्या बच जाएगा सिर्फ A। सिमिलर वे से यहाँ पे मेरे पास क्या है 4A प्लस 3B प्लस 2C माइनस, इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है फिर माइनस करना है 2A माइनस 2B माइनस 2C, माइनस 2C प्लस 2C कैंसिल आउट, 4A माइनस 2A, तो मेरे पास क्या बच गया 2A प्लस 3B माइनस 2B, तो मेरे पास क्या बच गया प्लस B, तो यहाँ पे बच गया 2A प्लस B। सिमिलरली अब रो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके रो 3 से माइनस कर देना, सो इसे 3 से मल्टीप्लाई किया इसमें से माइनस किया तो मेरे पास 0 आया, तो यहाँ पे देख लेते हैं 6A प्लस 3B माइनस 3A माइनस 3B, 3B कैंसिल, सो मेरे पास बचा क्या 3A। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे मेरे पास क्या है 10A प्लस 6B प्लस 3C माइनस, इसे 3 से मल्टीप्लाई करना है फिर माइनस करना है 3A माइनस 3B माइनस 3C, 3C से 3C कैंसिल एंड 10A माइनस 3A, तो मेरे पास क्या बचा 7A प्लस 6B है माइनस 3B, तो क्या बचा मेरे पास प्लस 3B, सो यहाँ बच गया 7A प्लस 3B। तो अब हम कॉलम 1 के साथ एक्सपेंड कर सकते हैं, बट अगर मैं यहाँ देखूँ तो मैं इसको फर्दर
एक ऑपरेशन और लगा के इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ. लाइक अब मैं ऑपरेशन लगाऊंगा आर थ्री में सच डैट आर थ्री माइनस थ्री इंटू आर टू, क्योंकि जीरो जीरो यहाँ पे तो चेंज आएगा ही नहीं. सो इसे देख लेते हैं, रो वन और रो टू तो मेरी इंटरचेंज मतलब कोई भी चेंज नहीं होगा, सॉरी अनचेंज रहेंगी. सो इसको थ्री से मल्टीप्लाई किया, इसमें माइनस किया तो जीरो, यहाँ पे भी क्या गया जीरो. अब सिक्स ए माइनस सेवन ए तो मेरे पास क्या बच गया ए, थ्री बी माइनस थ्री बी तो कितना बन गया जीरो. तो यहाँ पे सिर्फ मेरे पास बचा ए. अब मैं एक्सपेंड कर लेता हूँ विद द हेल्प ऑफ सी वन. हम एक्सपेंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ सी वन. सो हमें मालूम है कि सी वन में फर्स्ट एलिमेंट मेरे पास क्या है ए. सो द रो कैंसल जिसमें ए है और कॉलम कैंसल जिसमें है, तो मेरे पास क्या बचा ए जीरो टू ए प्लस बी इंटू ए. तो अगला साइन हमारे पास कहता है माइनस. सो माइनस जीरो इंटू जो भी बचा है ना, प्लस जीरो इंटू जो भी बचा, तो हमें मालूम है ये तो जीरो होंगे ही होंगे. इसमें जो भी क्वांटिटी बचेगी वो जीरो से मल्टीप्लाई करने के बाद जीरो आ जाएगी. सिमिलर वे से इधर भी जीरो से मल्टीप्लाई करने से जीरो आ जाएगी. सो अब हमें सिर्फ इतना ही सॉल्व करना है टू गेट आवर डिजायर्ड आंसर. सो एरोस ए ए इंटू ए ए स्केयर माइनस जीरो इंटू समथिंग कम्स आउट टू बी जीरो. आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी कैन से डेट वी हैव ए स्केयर इंटू ए क्यूब. ये हमारे किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड. सो प्रूव्ड बाय यूजिंग प्रॉपर्टी सिक्स हमने अपना ये प्रूफ वाला सम सॉल्व किया. थैंक यू.